उछल रहे हैं बुध, मर रहा है योगेन। अब युद्ध में योगेन बहुत बुरी मौत मरने वाला है। 17 महीने से छंग में साथ देने वाले नेतों ने अब योगेन को ऐसा धोखा दिया है कि शायद ज़ेलेंस्की का यूक्रेन ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। आखिर ऐसी क्या वजह रही कि अब नेटो ने यूक्रेन से 2 टूक कह दिया है कि नेटो यूक्रेन को F-16 जैसे लड़ाकू विमान तब तक नहीं देगा जब तक कि रूस के खिलाफ यूक्रेन का काउंटर खत्म नहीं हो जाता है। आखिर नेटो ने यूक्रेन के सामने ऐसी शर्त क्यों लगाई है? नहीं देंगे F-16, यूक्रेन पर भड़का नाटो। लगभग 17 महीने की जंग में 50 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान झेल चुके यूक्रेन की सेना में ऐसा कौन सा गद्दार छिपा बैठा है जिसने यूक्रेन को सप्लाई किए 10,000 हथियारों को ही गायब कर दिया? क्या ये किसी नेटो देश की साजिश है? दस हजार हथियार गायब, बौखलाए ज़ेलेंस्की। रूस यूक्रेन जंग को 500 दिन होने जा रहे हैं। पश्चिम के 50 देश और नेटो के 31 देश मिलकर अब तक यूक्रेन को 15 लाख करोड़ से ज्यादा के हथियार दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद पुतिन का रूस यूक्रेन के उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी इलाकों के 13 शहरों और 250 गांव और कस्बों पर कब्जा कर चुका है। पिछले एक हफ्ते के अंदर रूस ने यूक्रेन पर 3,000 टैंकों, 502 80 रॉकेट और 600 मिसाइल हमले किए हैं, जबकि यूक्रेन हर दिन रूस पर पलटवार करने के लिए 6 से 7 हजार गोले रूसी सेना पर दाग रहा है। लेकिन उसके बावजूद 4 जून से शुरू हुआ यूक्रेन का रूस के खिलाफ काउंटर अटैक फेल हो रहा है। इसी को लेकर अब अमेरिका के बाद नेटो की लीडरशिप भी यूक्रेनी सेना के काउंटर अटैक पर सवाल उठाने लगी है। दावा किया जा रहा है कि नेटो के मिलिट्री चीफ ने 2 टूक चेतावनी यूक्रेनी सेना और लीडरशिप को दे दी है। अब ऐसे हालात में सवाल उठता है कि तो फिर ज़ेलेंस्की बार बार नेटो से घातक हथियार क्यों मांग रहे हैं और क्यों नेटो यूक्रेन को सबसे घातक हथियार देने में देरी कर रहा है? भीषण युद्ध के बीच नेटो के मिलिट्री चीफ लेफ्टिनेंट एडमिरल रॉब बाउर ने ऐसा हैरान करने वाला बयान दिया है कि ज़ेलेंस्की भी नेटो की गद्दारी देखकर बौखला गए हैं। नहीं देंगे F-16, यूक्रेन पर भड़का नेटो। नेटो के मिलिट्री चीफ ने साफ कहा है कि जब तक यूक्रेन का काउंटर अटैक पूरा नहीं हो जाता तब तक यूक्रेन को नेटो सबसे घातक हथियार नहीं देगा। नेटो की सैन्य समिति के अध्यक्ष लेफ्टिनेंट एडमिरल रॉब बाउर ने यूक्रेन से 2 टूक कहा है कि यूक्रेन को तब तक F-16 जैसे पश्चिमी देशों के आधुनिक फाइटर जेट नहीं मिलेंगे जब तक कि रूस के खिलाफ यूक्रेन का काउंटर अटैक खत्म नहीं हो जाता है। यानी जब तक यूक्रेन का काउंटर अटैक रूस के खिलाफ चलता रहेगा तब तक यूक्रेन को घातक जेट फाइटर और हथियार नेटो नहीं देगा। नहीं देंगे F-16, यूक्रेन पर भड़का नेटो। На Рівно нароковину удару російських терористів по Кременчуку, по торговельному центру, коли загинули 22 людини, російські нелюди знов спрямували ракети по Кременчуцькому району. Сьогодні російські терористи жорстоко обстріляли і Краматорськ, ракети С-300. 3 людей загинули, і серед них дитина. Мої співчуття рідним та близьким. Станом на цю годину більше 40 людей поранено, усім надається допомога. Триває розбір завалів. Кожен такий прояв терору знову знов доводить. Яні аб Юкрейн апне хі каунтер атак ке жал ме фас гя ха. Юкрейн махіно се кеха ра ха ке усне F-16 жесе чоті піді ке 200 ладако виман рус ке хилаф чахіє. Такі хам рус пар хамла кар саке. Юкрейн ка ер дефенс таба хо чука ха. 30% хатьяр ор топхана мараммат ке лие кархане ме паде сад рахе ха. ऐसे में यूक्रेन करे तो क्या करे? यूक्रेन के लिए इस वक्त एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है। इधर अमेरिका के टॉप जनरल मार्क मिले ने भी साफ कह दिया है कि रूस यूक्रेन की जंग बेहद खूनी हो चुकी है जो बहुत लंबी चलेगी। अगर 17 महीने की जंग के बाद भी जंग और लंबी चलने के दावे अमेरिका के टॉप जनरल मार्क मिले कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि रूस यूक्रेन का क्या हाल करेगा। It's going to be very long, and it's going to be very, very bloody. And no one should have any illusions about any of that. Ukraine is fighting for its life. It's an existential fight for Ukraine. And they are fighting against a very significant country of 140 million people. 10,000 hathiyar khayab, bokhlaye Zelensky.
सवाल उठ रहे हैं कि अचानक नाटो के देवर यूक्रेन को घातक हथियार देने को लेकर इतने तीखे क्यों हो गए हैं? क्योंकि नाटो अब शर्त लगा रहा है कि जब तक यूक्रेन रूस के खिलाफ काउंटर अटैक पूरा नहीं करेगा तब तक उसे सबसे एडवांस और घातक हथियार नहीं मिलेंगे। जरा देखिए इसके पीछे क्या क्या दावे किए जा रहे हैं। पश्चिमी मीडिया के दावों के मुताबिक नाटो देशों से हथियार को लेकर चला शिपमेंट अचानक गायब हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन को सप्लाई किए गए 10,000 से ज्यादा हथियार गायब हो चुके हैं। ये नहीं बताया गया है कि गायब हुए 10,000 हथियारों में से कौन कौन से हथियार थे, लेकिन इतना जरूर बताया जा रहा है कि इसमें कुछ मिसाइलें और रॉकेट थे। हथियारों के गायब होने के बाद से नाटो यूक्रेन को लेकर नाराज बताया जा रहा है। कुचल रहे हैं पुतिन, मर रहा है यूक्रेन। नाटो और यूक्रेन के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। काउंटर अटैक के बीच में ज़ेलेंस्की दावा कर रहे हैं कि वो किसी भी कीमत पर जंग नहीं रोकेंगे, जबकि पुतिन का रूस यूक्रेन को तबाह करने पर जुटा है। वॉर जोन से आई रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने सुमन इलाके में 268 से ज्यादा धमाके किए हैं। रूस ने बिलोपीलिया, मारियोपीलिया, वेलिका पेसारिबका, क्रास्नोपीलिया, सेरेडिनाबिडा, सेरेडिनाबोडा और माइकोलाइव इलाके में भारी तबाही मचाई है। इधर यूक्रेनी सेना के 49 साल के कमांडर इन चीफ जनरल ज़ालुज़नी का साफ कहना है कि यूक्रेन को अभी भी वो हथियार नहीं मिले हैं जिसके दम पर रूस को हराया या खदेड़ा जा सके।